स्वागत है सभी क्यूरियस माइंड्स का। आज हम ग्रास की एक स्पीसीज को देखेंगे। ग्रास को मैं एक अनसंग वॉरियर कहता हूँ, अनसंग हीरो कहता हूँ, क्योंकि इनका इकोलॉजी में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड होते हैं सारे प्लांट फैमिलीज़ में। ये जो घास फैमिली, जिसको पोआशिये या फिर ग्रामीने कहते हैं, ये दुनिया की फिफ्थ मोस्ट डाइवर्स फैमिली है सारे एंजियोस्पर्म्स में, और सेकेंड मोस्ट डाइवर्स सारे मोनोकोटिलीडॉन्स में। पोआशी जो फैमिली है, घास फैमिली है, इसमें 10,000 से ज़्यादा स्पीसीज, 700 से ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली जेनेरा, तो एक विशाल फैमिली है घास की, जिसको पोआशिये कहा जाता है। ये बहुत इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली है। ग्रास और ग्रासलैंड जो है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है दुनिया भर में, और 25-35% हम जितनी भी वेजिटेशन देखते हैं, यानी हरियाली देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, उनमें घास होते हैं। तो हमारा इंसानों का खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये घास से ही आता है। तो ऐसी एक स्पीसीज़ जो मुझे दिखी, इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है क्लोरिस बारबाटा। घास एक्सपर्ट जो है, उनसे जब मैंने इसकी आईडी पूछी तो क्लोरिस बारबाटा नाम सामने आया है इसका। फैमिली पोआशिये, ग्रास फैमिली, और एक बात है कि ये जो क्लोरिस बारबाटा, इसको अब नए नाम से जाना जाता है, इसको क्लोरिस इन्फ्लाटा कहते हैं। पहले बारबाटा कहते थे, कई सारे इनके कॉमन नाम से इनको जाना जाता है, जैसे इसको स्वोलन फिंगर ग्रास कहते हैं, पीकॉक प्लूम ग्रास, प्लूज ग्रास, सारे जितने भी कॉमन नाम है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गुजराती में इसको क्लोरिस बारबाटा को मिंडड़ियू बोलते हैं। जो क्लोरिस बारबाटा है, इसका इन्फ्लोरेसेंस देखें हम तो पिंकिश पर्पल कलर का है, और जो दूसरी स्पीसीज समान दिखने वाली क्लोरिस वारिगाटा, उसका वाइट इन्फ्लोरेसेंस होता है, और इसका पिंकिश रेड कलर का इन्फ्लोरेसेंस है। देखने में बहुत ही सुंदर ये घास है, और एक हर्ब है, ड्राई रीजन्स में ऐसी जगहों पर ये ग्रो करती है। स्किन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में इनके यूजेस भी बताए जाते हैं।